नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हाजिर हैं वीडियो नंबर 14 के साथ में। और हम लोग बात कर रहे हैं अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़। तो अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ में हम लोग आगे की बात करेंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड दैट इज़ द टुडेज टॉपिक। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल? वेरी सिंपल, रिमूवल ऑफ वाटर। सो अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में रहते हैं तो डिहाइड्रेशन से संबंधित कोई भी समस्या आज के बाद आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। नहीं तो आपको साथ रहना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास R CH, यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे H। अब डिहाइड्रेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो आप यूज़ कर सकते हो कंसंट्रेटेड H2SO4, वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट अलॉन्ग विद हीट। सेकंड आप यूज़ कर सकते हो H3PO4 हीट के साथ में, या फिर आप यूज़ कर सकते हो KHSO4 एंड हीट। इन सब का क्या काम है बेटा? देखो, ये अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। ये अल्फ़ा और बीटा से H और OH को रिमूव करते हैं, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा और यहाँ पे इस जगह पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या बना देंगे भैया? ये बना देंगे RCH डबल बॉन्ड CH2। तो ये था एल्कोहल और ये बन गया एल्कीन। एल्कोहल से एल्कीन और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या आया हमारा? वाटर। इसी को हमें हटाना था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन। इसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म भी समझते हैं, साथ में रहेंगे सब कुछ समझ में आएगा। तो ये जो प्रोसेस है, तो ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा? इवन एलिमिनेशन, यूनिमोलिकुलर। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इवन एलिमिनेशन की, ठीक है। अब क्या होगा प्रोसेस? सबसे पहले हमने लिया है एल्कोहल R CH2 एंड यहाँ पे हमने CH3। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। अब H2SO4 का क्या काम है बेटा? ये H2SO4 हमें प्रोवाइड कराता है H+ आयन और HSO4-। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है एल्कोहल के पास, इसके पास है लोन पेयर, तो ये जो H+ है तुम्हारा, ये इसके पास अट्रैक्ट होगा और जुड़ जाएगा। जैसे ही ये जुड़ेगा तो ये क्या बनाएगा? RCH2 और ये बनेगा OH2। ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये CH3। तो ये जो स्टेप है इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो ये आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल है। प्रोटोनेटेड क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि हमने H+ दिया है, प्रोटॉन दिया है, इसलिए ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल बोलते हैं इसको। अब अगली स्टेप में तुम्हें पता है कि OH2 जहाँ भी दिखेगा मतलब वाटर है, उसको आसानी से रिमूव कर सकते हो। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से अलग हो जाएगा और ये RCH2CH3 और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन का जनरेशन हो गया। अब यही स्टेप तुम्हारी यहाँ पे RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप। सो ये कार्बोकेटायन बना इंटरमीडिएट,
ओके। अब जब कार्बोकेटायन बना तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा, ये जो कार्बन है इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिखते हैं। अब क्या होगा, तुम्हारे पास क्या पड़ा हुआ है सोल्यूशन में, अभी HSO4- तो पड़ा है। अब ये जो H2SO4 है ये कैटलिस्ट है बेटा, तो कैटलिस्ट तो रिएक्शन में पार्ट लेते नहीं हैं। अब इसका एक हाइड्रोजन हमने यूज़ किया है यहाँ पे, ये वाला, तो ये हाइड्रोजन हमें इसे देना भी पड़ेगा। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ से बीटा पोजीशन से H+ रिमूव हो जाएगा, H+ रिमूवल। ओके, तो ये क्या बाहर हो गया यहाँ से, यहाँ से H2SO4, क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो नेवर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, और क्या बन गया हमारा R CH डबल बॉन्ड CH2, ये तुम्हारा एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। ये पूरी स्टेप है मैकेनिज्म के साथ में। अब एक बात ध्यान रखो यहाँ पे कि यहाँ पे कार्बोकेटायन बना है, यहाँ पे लिख देता हूँ बीच में, कार्बोकेटायन अगर बना है तो क्या हो गया बेटा, क्या पॉसिबिलिटी है, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट कैन अकर। अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, मतलब हाइड्राइड शिफ्टिंग हो सकती है, मिथाइल शिफ्टिंग हो सकती है और फिनाइल शिफ्टिंग भी हो सकती है, इस बात को याद रखना, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है कि जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको, जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की, ठीक। तो ये कहानी यहाँ पे हमने ख़त्म करी। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कुछ, जैसे कि क्वेश्चन दिया कि यहाँ पे आप बताएं कि सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन कहाँ पे होगा, तो एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, CH3 बच्चों वाला क्वेश्चन, ये OH ऑप्शन ए, CH3 ये OH ऑप्शन बी, CH3 ऑप्शन सी। अब बोलो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन चेक कर लो, तो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो ऑर्डर भी यही हो जाएगा, ए बी सी। ये तो था बच्चों का खेल जो तुमने कर लिया, कहानी तो यहाँ पे बदलेगी। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से दिया गया है, सभी लोग ट्राई करेंगे, सोल्यूशन तो मैं दे ही रहा हूँ, लेकिन वीडियो को पॉज करके आप जब भी देखें वीडियो को एक बार ट्राई ज़रूर करना, तब काम बनेगा। सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बी सी, एंड ये
OH, इस तरह से हमने बनाया। ठीक है भाई, अब आप बताओ इसमें कौन सा अल्कोहल ज़्यादा हाइड्रेशन करेगा, ज़्यादा रिमूवल करेगा वाटर का, तो ध्यान से सोचेंगे और फिर आंसर देंगे। देखो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो ये 1 डिग्री बनेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो ये 3 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो ये भी 1 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो ये 2 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो बहुत सारे दिमाग में तुम्हारे आ रहे होंगे ऑप्शन, लेकिन मैं बताता हूँ करेक्ट आंसर है बी देन ए देन सी एंड देन डी। अब ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए बेटा कि 3 डिग्री तो सबसे ज़्यादा करेगा, वो तो कंफर्म है, उसके बाद बेंजाइल करता है, उसके बाद एलाइल करता है, और उसके बाद 2 डिग्री, ये याद कर लो। बेंजाइल और एलाइल 2 डिग्री और 1 डिग्री से ज़्यादा हाइड्रेशन करेंगे, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कि डिहाइड्रेशन के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा वो देखेंगे। देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है CH3, CH, OH, CH3, यहाँ पे इन्होंने लगाया है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर है 443 केल्विन। तो होता क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर कैसे होना है, ये अल्फा कार्बन है, कलर चेंज कर दें थोड़ा सा, देखो ये अल्फा कार्बन है तुम्हारा और ये बीटा कार्बन है, तो यहाँ से OH निकालो और यहाँ से 2 हाइड्रोजन लिखो, एक यहाँ से H निकालो, वाटर हटा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो आसान हो गया। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन बदल जाए, देखो CH3CH CH2CH3, अब यहाँ पे OH लगा है और सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करी गई, तो देखो प्रॉब्लम ये है कि अल्फ़ा के तो ठीक है, ये तुम्हारा अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाला जा सकता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाला जा सकता है, दोनों से निकाल देते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि पहले हमने हाइड्रोजन निकाला यहाँ से, इस वाले से पहली कंडीशन में, तो क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3, फिर यहाँ से निकाला दूसरे नंबर पे, तो क्या बना CH2CH CH2CH3, दो प्रोडक्ट बने बेटा। अब यहाँ पे तुम्हें पता करना होगा कि कौन मेजर प्रोडक्ट है और कौन माइनर, क्वेश्चन भी यही पूछता है कि व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट, तो कैसे पता करेंगे कौन मेजर है कौन माइनर है, तो यहाँ पे हम लोग एक रूल अप्लाई करेंगे, 6F रूल, पुराना है, 11th में पढ़ा था, आज काम आएगा। इन सच केस फॉर्म मोर स्टेबल एल्कीन, इन सच केस फॉर्म मोर स्टेबल एल्कीन। अब देखो जनरली 90% मोर स्टेबल एल्कीन कैसे फाइंड करोगे, विच हैज मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, दैट्स इट,
सो पता करो भाई कहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। देखो ये डबल बॉन्ड कार्बन है और इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं, दो, तो यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे तीन और यहाँ पे तीन, तो टोटल कितने हो गए, सिक्स अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज़्यादा स्टेबल। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है तुम्हारा, ये प्रोडक्ट है मेजर और ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है आपका माइनर। तो सिक्स एफ रूल को अप्लाई करेंगे ऐसी कंडीशन में जहाँ पे दो बीटा कार्बन हो और जो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगा वो तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा। कैसे पता करेंगे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन, बाय द सिक्स एफ रूल विद अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, अब देखना ध्यान से, फिर थोड़ा सा ट्विस्ट है। CH2, अब ये, अब यहाँ पे तुमने लगाया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है सर, लगा दिया तो रिमूवल ऑफ वाटर होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H इस वाले कार्बन से, तो क्या बनेगा, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं ब्यूट वन ईन। लेकिन बेटा यहीं पे हमने गलती कर दी, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों सर जी, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमने बोला था कि रीअरेंजमेंट की संभावना अगर दिखेगी तो करना पड़ेगा। यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकते हो तुम, देखो कैसे, देखो बहुत ही मज़ेदार कहानी है। यहाँ पे हमने ये किया, ठीक, अब H2SO4 ये H प्लस, ये अप्रोच करेगा OH को तो क्या बनेगा, CH3, और यहाँ से वाटर को हटा भी दिया, एक साथ कर दिया, CH3 CH2 CH2 CH2, ये पॉजिटिव चार्ज आया। अब क्या होगा, हम अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं, तो ज़्यादा स्टेबल जब बन जाएगा तो बनाओ भैया। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे होगा हाइड्राइड शिफ्ट, H माइनस शिफ्ट होगा। कैसे, यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है, देखना ध्यान से, एक हाइड्रोजन जो है सॉरी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, इसको रहने दो एज इट इज, पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसका एक, वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, पहले और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH CH3, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन था और यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब क्या होगा, अब होगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन कहानी कुछ जमी नहीं, चूँकि ये तुम्हारी अल्फा पोजीशन है यहाँ पे और ये बीटा और ये भी बीटा, तो फिर भी दो प्रोडक्ट की संभावना, दोनों बनाते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट वन ईन, पहले वाला प्रोडक्ट, दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूट टू ईन। अब बोलो बेटा कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, ये देखो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन,
और यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेजर है और ये वाला प्रोडक्ट आपका माइनर। तो शिफ्टिंग याद रखेंगे, सेट से फ्यूल अप्लाई किया और मेजर प्रोडक्ट हमने बता दिया, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन मिथाइल शिफ्टिंग का कराते हैं, देखना ध्यान से। ये क्वेश्चन दिया है CH3 OH। अब यहाँ पे हमने अप्लाई किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट के साथ में, तो देखना ध्यान से क्या कहानी होगी। अब ये H प्लस अप्रोच करेगा इसको और यहाँ से पानी को बाहर कर दो, बाहर कर दो, क्या बना CH3, ये CH3, ये CH3 एंड ये CH2। अब देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज किसी तरह से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, हो सकता है क्या होगा मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। अब मिथाइल शिफ्ट मतलब 1.2, ये 1 और ये 2, 1.2। तो कैसे होगा देखो, ये तुम्हारा CH3, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर आ गया और ये CH3 1.2 मिथाइल शिफ्ट। अब ये देखो 3 डिग्री कार्बो केटायन, ये किसका था 1 डिग्री कार्बो केटायन। अब यहाँ से प्रोडक्ट बनाओ, तो यहाँ पे भी फिर से सेट से फ्यूल को फॉलो करो और दो प्रोडक्ट बना दो खटाक से। तो एक तो हो गया CH3 और एक ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 3, 3, 6, 3, 9 9 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन। सो कौन सा मेजर प्रोडक्ट है भैया, ये आपका मेजर और ये आपका माइनर, ठीक है भाई। ये हमने कर ली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब देखो थोड़ा सा वेरिएशन, देखो 90% केसेस में क्या होगा बेटा, 90% क्या मिलेगा आपको, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 H3PO4 KHSO4। इन सारी कंडीशंस में क्या हो रहा था बेटा, एक तो पहला पॉइंट था E1 एलिमिनेशन, दूसरा पॉइंट था कि कार्बो केटायन बन रहा था और तीसरा पॉइंट था रीअरेंजमेंट पॉसिबल था और चौथा पॉइंट था शिफ्ट रूल हमने अप्लाई किया था। लेकिन इफ रिएजेंट इज, अगर हमने रिएजेंट बदल दिए, कौन कौन से Al2O3, ये भी वही काम करेंगे, P2O5 या फिर POCl3 पिरिडीन के साथ में,
यहाँ से भी डिहाइड्रेशन होगा, लेकिन ये होगा तुम्हारा E2 एलिमिनेशन, ठीक है, नो कार्बोकेटायन, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, सिट्जेफ रूल विल बी फॉलो। ओके, तो ये अंतर देखने को मिलने वाला है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, CH3, CH2, 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 OH, और यहाँ पे आपने अप्लाई किया Al2O3 हीट। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड, CH2, ये प्रोडक्ट बनेगा। रीअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होगा। क्या नहीं हुआ बेटा यहाँ पे? रीअरेंजमेंट। अगर यहीं पे ये वाला रिएजेंट हम बदल देते तो प्रोडक्ट दूसरा बनता, लेकिन इस रिएजेंट की वजह से ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से हमने डिहाइड्रेशन कंप्लीट कर लिया। बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, देखें और शेयर भी करें। तो आप देख रहे थे ये पूरा डिहाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट हमारे यूट्यूब चैनल गोविंद केमिस्ट्री पे, और मैं हूँ आपका टीचर गोविंद अग्निहोत्री। थैंक यू।